बढ़ती महंगाई के खिलाफ केंद्र सरकार को लेकर कांग्रेस पर अब मोर्चा खुल चुका है। आज पटना की सड़कों पर पटना के गांधी मैदान के पास विरोध मार्च निकला था। हाथों में सिलेंडर और बड़े बड़े अक्षरों में केंद्र सरकार के खिलाफ बढ़ती महंगाई को लेकर यह दर्शाया गया कि किस तरीके से रसोई गैस और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। वह इस पोस्टर में दर्शाया गया है कि तुलना की है कि जब 2014 से पहले यूपीए की सरकार थी तब की महंगाई और अब एनडीए की सरकार में बढ़ती महंगाई के खिलाफ उन्होंने दूसरी और बात करे तो जब भी पटना की सड़कों पर बैलगाड़ी मार्च भी निकाला गया था ऐसी तस्वीर पटना में लगातार देखने को मिल रहा। और आज एक बार फिर महंगाई के खिलाफ पटना की सड़कों पर विरोध मार्च निकला गया है। कई जगहों पर पुतले भी जलाए गए और आगे 10 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक कांग्रेस का लगातार पूरे बिहार में प्रदर्शन जारी रहेगा। यूथ कांग्रेस में गुंजन पटेल ने कहा है हम लोग 10 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक बिहार में प्रदर्शन जारी रखेंगे, कुछ ना कुछ महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन होता रहेगा। ट्रांसपोर्टेशन की वजह से भी ऐसे सामान और सामग्रियां महंगी हो गई है। आपको बता दें कि जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े तो जाहिर सी बात है ट्रांसपोर्टेशन के चार्ज भी बढ़ जाएंगे, उसके बाद आम लोगों की कमर टूट जाएगी। सरसों तेल की कीमत 200 के पार जा चुकी है, वहीं रसोई गैस की कीमत भी 1000 रुपये पहुंचने वाले हैं। जब यह केंद्र सरकार सत्ता में आई थी तो महंगाई के मुद्दे पर आई थी और जब यूपी की सरकार थी तो ये कौन बीजेपी के लोग सड़कों पर उतरकर आंदोलन करते थे, गली में प्याज की माला हाथों में सिलेंडर लेकर प्रदर्शन करते थे, लेकिन आज केंद्र सरकार को ये नहीं दिखाई दे रहा है। कम करो, वापस लो, वापस लो, वापस लो।